गुड आफ्टरनून. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. दिस इज क्लास 8th एनसीईआरटी बुक. और ये पहला चैप्टर है, इसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर. और इस बुक का नाम तो पता है आप सबको, आवर पास्ट्स. तो इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डेट्स जो है हिस्ट्री में वो कितनी इम्पॉर्टेंट है. अब अभी तक हिस्ट्री पढ़ते थे या इन जनरल लोगों से अगर बातचीत की जाए तो उससे ये पता चलता है कि हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और उसमें काफ़ी सारा डेट्स और जो लड़ाइयाँ हुई वो सब याद रखना पड़ता है, और राजा का नाम याद रखो, उसके बाद कौन सा राजा आया. तो हिस्ट्री इज़ बोरिंग ऐसा बोला जाता है. बट हिस्ट्री जो है वो इन सब से काफ़ी अलग है, और जो डेट्स और बैटल्स की हिस्ट्री है वो काफ़ी नैरो व्यू है हिस्ट्री का. सो अब एनसीईआरटी बुक में देखते हैं, पहले कुछ पैराग्राफ में तो यही दिया गया था, उसके बाद से हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. तो चेंजेस के बारे में बात करती है हिस्ट्री कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा हुआ, पहले ये राजा थे बाद में ये आए. तो राजा तो चेंज हुए ही, लेकिन हिस्ट्री में राजा के चेंज होने के अलावा उनके साथ साथ क्या क्या और चेंज हुआ, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चेंज हुआ, सोशल सिस्टम कैसे चेंज हुआ उस टाइम का, ये सब भी चीज़ें हैं. तो इस चैप्टर में, इस चैप्टर का देखो सेंट्रल थीम ये है कि हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट डेट्स, हिस्ट्री इज़ अबाउट इवेंट, हिस्ट्री इज़ अबाउट चेंजेस, और चेंजेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पुलिस सिस्टम, तो ये सब चीज़ें. लेकिन अब डेट्स का क्या इम्पोर्टेंट है, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि राजा कब बना, उसके बाद कौन सा नया राजा आएगा, तो इसकी डेट्स याद होनी चाहिए. ये कब याद होनी चाहिए, जब आप हिस्ट्री को उस नैरो व्यू से देख रहे हो जिसमें हम लोग सिर्फ राजा और बैटल, किंग्स एंड बैटल्स के बारे में पढ़ते हैं. लेकिन जब हम लोग अपने हिस्ट्री की स्टडी का फोकस किसी दूसरे सब्जेक्ट पे फिक्स करेंगे, फोकस करेंगे, जैसे कि कुछ इवेंट्स के बारे में देख रहे हो, जैसे कि मान लो हम लोग अगर हिस्ट्री में ये पढ़ें एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडिया आफ्टर द ब्रिटिश केम, तो अब जब ये चीज़ पढ़ेंगे तो इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि वो पुराने डेट्स की इस गवर्नर जनरल के बाद ये आया, ये वाले डेट्स इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे, इम्पॉर्टेंट डेट्स उस केस में चेंज हो जाएंगे. जैसे उस केस में इम्पॉर्टेंट डेट्स वो होंगे जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट कब आया, महलवारी सिस्टम कब आया, रेवतवारी सिस्टम कब आया. तो जैसे जैसे हम लोग अपने पढ़ने का फोकस चेंज करते हैं, वैसे वैसे जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. ऑल दो डेट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड हिस्ट्री इज मच बियॉन्ड डेट्स, बट स्टिल जो भी इवेंट्स पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, उस इवेंट्स के रिस्पेक्टिव डेट्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. सो एक फिक्स्ड सेट ऑफ डेट्स नहीं है हिस्ट्री में कि इस डेट को याद कर लो, इस राजा को याद कर लो तो हिस्ट्री आ गया. नहीं, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री अलग अलग टॉपिक को स्टडी करता है, अलग अलग सिस्टम्स को स्टडी करता है, उसमें चेंजेस को. और जब ये चीज़ें अलग अलग स्टडी करोगे तो डिफरेंट सेट ऑफ डेट्स इम्पॉर्टेंट होता जाएगा. तो ये सब चीज़ अपने एनसीईआरटी के इस बुक में भी दिया हुआ है, तो थोड़ा हम लोग रीड करते हैं पहले कि हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस और दैट अकर ओवर टाइम एंड इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. ठीक है, कि पहले कैसा था और अब क्या चेंजेस आया. तो एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम एंड वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, कि पहले ऐसा था अब ऐसा आया. अब यहाँ पे जैसे इसमें दो जनरल एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सब लोग मोस्टली सुबह या शाम में कभी चाय पीते हैं, तो इसमें ये बोला गया कि अपने आसपास देखो और ये इमेजिन करो, ये सोचो, कभी सोचा है कि चाय पीना इंडिया में कब स्टार्ट हुआ. तो अब देखो ये चाय पीना एक इवेंट है,
और बिफोर चाय नहीं पिया करते थे, आफ्टर चाय पीने लगे। तो अब ये, अब इस चीज को अगर हिस्ट्री स्टडी करेगी तो इस चीज में क्या कोई डेट्स आएगा? क्या तुम ये बता सकते हो कि अच्छा इस दिन को पहली बार इंडिया में चाय पिया गया? नहीं बता सकते हैं। तो कभी कभी डेट्स इररिलेवेंट हो जाती हैं, और डेट्स इररिलेवेंट हो जाती हैं, और फिर रेलिवेंट क्या रहता है इस केस में, कुछ टाइम इंटरवल की, अच्छा चलो इस बीच में होगा, तो इस बीच में चाय पीना शुरू हुआ होगा ऐसा, ठीक है। तो उस केस में डेट इंपॉर्टेंट नहीं रहा, एक टाइम स्पैन इंपॉर्टेंट हो गया। उसी तरह जैसे ये बोल रहा है कि अभी तुम हम लोगों को सब देश और दुनिया में क्या हो रहा है वो न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है, लेकिन जब न्यूज़पेपर नहीं था तब लोगों को कैसे पता चलता था? और जैसे अभी एट प्रेजेंट तो हम लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, उससे न्यूज़ पता चलता है। इससे पहले क्या होता था, जब न्यूज़पेपर था तो कई जगह पे लोग, एक आदमी जो पढ़ता था न्यूज़पेपर और बहुत सारे लोग उसके आसपास झुंड बना के बैठ जाते थे और न्यूज़ पढ़ते थे, क्योंकि पुराने समय में बहुत लोगों को पढ़ना नहीं आता था। तो इस न्यूज़पेपर से भी पहले कैसे पता चलता होगा? तो इन सब चीज़ों के बारे में इमेजिन करना के लिए इस एनसीईआरटी बुक में बोला गया है फर्स्ट अपने पेज में। अब देखो यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, इस फोटो को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का नाम भी दिया हुआ है जो कि आप लोगों को याद करना है। तो देखिए अब इस फोटो में क्या हो रहा है कि ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटेन फ्रंट स्पाइस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल। अब देखो एक फेयर एनफ टाइम स्पेन दिया गया है, वो टाइम स्पेन क्या है, जेम्स रेनल ने जब पहला मैप प्रोड्यूस किया वहां तक, कहां से, इस इवेंट से, जब एक ब्राह्मण्स इज ट्रांसफरिंग सम शास्त्रास टू ब्रिटिश, ब्रिटानिया मतलब ब्रिटिश बोला जा रहा है, और ये फ्रंट पीस का मतलब ये फसाड होता है, ये जगह है। तो ये जब दे रहा है ये आदमी शास्त्रा, तो जब ये शास्त्र या कुछ भी ग्रंथ और बुक जो इन्होंने दिया, तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप हमसे बड़े हैं, आप ये लीजिए हमारी किताबें और हमें मार्गदर्शन कीजिए, इस तरह का सिग्निफिकेंस ये इमेज शो कर रहा है। और ये चीज़ें शो इसलिए कर रहा है क्योंकि ब्रिटिश को इंडिया के ऊपर रूल करना है, और ये जो इमेज है ये उस चीज़ को लेजिटिमाइज करता है कि हाँ हम रूल करने लायक हैं और आपके समाज के पढ़े लिखे लोग हमारे सामने झुक रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पहला इंस्टेंस कभी हुआ, उससे लेकर जेम्स रेनल ने फर्स्ट मैप प्रोड्यूस किया 1782 में, जब रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बोला था प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तक सो द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशियंट टेक्स्ट टू ब्रिटेन एंड द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर एज आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। तो जस्ट एक टाइम स्पैन बताया गया है कि कैसे यहां से लेकर फर्स्ट मैप जो बना, जेम्स रेलन ने बनाया, वहां तक का टाइम स्पेन दिखाया गया इसमें। सो नाउ यू सी कि एन एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। तो अब देखो मैप बनाना इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन, ये भी डोमिनेशन का एक प्रोसेस है, और ये जो इमेज है ये भी। तो देखो कैसे अलग अलग टाइम में अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एक सिमिलर थीम को प्रेजेंट कर रहा है जो कि है डोमिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडिया, ठीक है, इस पैराग्राफ का सिग्निफिकेंस। नाउ लेट अस सी कि ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू द नोशन ऑफ टाइम, कि कब हुआ कैसे हुआ, बट अ टाइम डजेंट हैव ऑलवेज बीन प्रिसाइज। अब जैसे ये चाय वाली कहानी में बता रहा था, इसमें जरूरी नहीं है कि कोई एक ही डेट पे हमें पता चले, ठीक है। सो वी कैन रेफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच ए पर्टिकुलर चेंजेस वॉज विजिबल, ठीक है। तो ये स्पैन ऑफ टाइम की बात की गई इसमें। सो वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, क्यों, क्योंकि
क्योंकि अब देखो द एसोसिएशन हैज अ रीजन, देर वॉज अ टाइम वेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट, ठीक है। शुरू शुरू में अब देखो हिस्ट्री कौन लिखते हैं, जो लड़ाइयाँ जीतता है वो इतिहास लिखता है। सो इट इज अबाउट द रूलर्स एंड द पॉलिसीज, हिस्टोरियंस रोट अबाउट देयर किंग। अब जो जीता राजा, तो हिस्ट्रीज लिखने वाले हैं वो राजा की तारीफ करेंगे और उन्हीं के बारे में हर चीज़ लिखते रहेंगे कि कब उनका राज्याभिषेक हुआ से लेकर कब शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, सो ही फॉर, और कैसे वो लड़े, कैसे वो मरे। तो हर चीज़ किंग सेंट्रिक हिस्ट्री लिखी जाती है और पढ़ाई जाती है। तो इसी इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ कि हिस्ट्री को डेट्स के साथ एसोसिएट करना स्टार्ट हो गया, और स्पेसिफिक डेट और इन सब चीज़ों में क्या है, स्पेसिफिक डेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ पास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में हम लोगों ने, ये बुक का नाम है आवर पास्ट 3, लेकिन इससे पहले आवर पास्ट 1 जो 6th में पढ़ा, आवर पास्ट 2 जो 7th में पढ़ा। सो उसमें क्या होता है, दे लुक एट, उन बुक्स में हम लोगों ने क्या देखा कि दे लुक एट द हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, कैसे वो लोग अपनी जीविका चलाते थे, दे प्रोड्यूस एन एट, हाउ सिटीज डेवलप, हाउ मार्केट केम्स अप, और इसके साथ साथ हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड हाउ न्यू आइडियाज स्प्रेड, हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंजेस। तो अपार्ट फ्रॉम किंग्स एंड बैटल्स, हम लोगों ने लास्ट 2 साल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ी, जनरल पब्लिक की हिस्ट्री भी पढ़ी हम लोगों ने, ठीक है। तो इसीलिए अब लास्ट 2 ईयर का जो हिस्ट्री की बुक्स देखोगे उसमें ज़्यादा डेट सेंट्रिक हिस्ट्री नहीं थी वो। सो नाउ अब देखते हैं कि कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इवेंट के अकॉर्डिंग डेट्स का सिग्निफिकेंस चेंज होगा, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा अभी डिस्कस किया था पहले। तो इसमें देखो कि कंसिडर एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन, उसमें वो लोग गवर्नर जनरल एंड लास्ट वॉयस रॉय कौन था और फिर कैसे कैसे वॉयस रॉय चेंज हुए और गवर्नर जनरल चेंज हुए, इनके बारे में ज़्यादा, ब्रिटिश ने जब हिस्ट्री लिखी तो वो गवर्नर जनरल एंड वॉयस रॉय सेंट्रिक हिस्ट्री थी। सो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे लास्ट वॉयस रॉय थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, ये दोनों चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, जैसे अब हेस्टिंग, वेल्सले, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, तो ये सारे क्या हैं, गवर्नर जनरल एंड वॉयस रॉयज हैं, और इनके बारे में हम लोगों ने, हम लोग पढ़ते हैं, और ब्रिटिश हिस्टोरियन ने हिस्ट्री जो है वो इसी हिसाब से लिखी है कि हर एक गवर्नर जनरल के राज में इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। सो अब नाउ इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वॉयस रॉय, ऑल द डेट्स इन द हिस्ट्री बुक वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटी, कि ये कब आया, ये कब गया। सो इट वॉज एज इफ कि इनके अलावा कुछ था ही नहीं इंडिया में, ठीक है। सो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे, अब बताओ कि अगर इसी पीरियड की हिस्ट्री, ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री या कॉलोनियल इंडिया की हिस्ट्री अगर हमको लिखनी है, तो क्या सिर्फ वॉयस रॉय सेंट्रिक हिस्ट्री लिखी जाए, नहीं, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में वॉयस रॉय या गवर्नर जनरल के अपार्ट और भी लोग हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनकी लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है, तो उनके लाइफ में, उनके सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस आ रहा है उसकी हिस्ट्री भी लिखी जा सकती है। सो हाउ डू वी फोकस अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप, अब ये देखो डिफरेंट ग्रुप की बात कही गई, नहीं, डिफरेंट ग्रुप का मतलब डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल, कुछ गांव में रहेंगे, कुछ शहर में रहेंगे, कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ अनपढ़ लोग होंगे, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग हिस्ट्री होगी, जरूरी नहीं है कि सब लोग अपना टाइम पीरियड जो है वो गवर्नर जनरल से ही एसोसिएट करें। सो व्हेन वी राइट ए हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इनटू चैप्टर, एंड व्हाई डू वी डू दिस, बिकॉज इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहरेंस, इट इज टू टेल अ स्टोरी इन ए वे दैट मेक सम सेंस विच कैन बी फॉलोड। सो अब हर एक, अब जैसे इस बुक में भी स्टोरीज से स्टार्ट होगा चैप्टर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उससे एसोसिएटेड जितने भी इवेंट होंगे उसको पढ़ेंगे। सो इन द हिस्ट्री दैट रिवॉल्व अराउंड द गवर्नर जनरल, एक्टिविटी ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, बिकॉज कोई जगह ही नहीं है उसमें गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे, तो वो जो चेंजेस लाया, उसने जो प्रॉब्लम फेस की, उसने किस तरह से ओवरकम किया उस प्रॉब्लम को, ये पढ़ते थे, और उसमें लोगों के हिस्ट्री के बारे में तो जगह ही नहीं है। सो वाट देन डू वी डू, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल सेंट्रिक हिस्ट्री से अलग होगा, एंड दिस वुड मीन ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव सिग्निफिकेंस
दे अर्लियर हैड। तो फिर जब वो गवर्नर जनरल सेंट्रिक हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो गवर्नर जनरल सेंट्रिक डेट्स भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर न्यू सेट्स ऑफ डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन ज़रूर ये देखो, ये सेट्स ऑफ डेट तो इम्पॉर्टेंट रहेगी ही, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव देता है। सो नाउ हाउ डू वी पीरियडाइज। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम दिया हुआ है, जेम्स मिल का, ठीक है। ये क्या थे? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इन्होंने एक बुक लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश इंडिया की, एंड इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू थ्री पीरियड। इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड किया, कि यहाँ से यहाँ तक हिंदू पीरियड है, मुस्लिम, और फिर आ गया ब्रिटिश। और ये दिखाते थे कि ये दोनों हिंदू और मुस्लिम रूलर्स जो थे वो डेस्पॉट थे, वो बेकार के राजा थे, और उनको रूल करना नहीं आता था। और अब ब्रिटिश आ गए हैं जो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक कर देंगे, और सिविलाइजेशन मिशन पे हैं जो कि इंडिया को अब बेहतर बना देंगे। अब ऐसा हिस्ट्री लिखने का क्या मकसद है? ऐसा हिस्ट्री लिखने से ब्रिटिश रूल को इंडिया में लेजिटिमाइजेशन मिलता है कि नहीं, जो चीज़ वहाँ पे हो रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा वो सही है, उसका एक डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट मिल गया। किसके द्वारा? ये जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा उससे, ठीक है। उस बुक को पढ़ेंगे लोग, उसके बाद देखेंगे कि अच्छा हाँ चलो, हिंदू और मुस्लिम टाइम पीरियड में ऐसा बुरा बुरा चीज़ हुआ, अब कुछ बुरा चीज़ ढूंढ के लिखेंगे वो उस हिस्ट्री की बुक में, और फिर ब्रिटिश इंडिया में लिखेंगे कि कैसे ब्रिटिश आके उसको चेंज कर दिए। और फिर जब सब लोग पढ़ेंगे तो सब लोग इस जो असली में गलत हो रहा है उसको नज़रअंदाज करके जो इस बुक में लिखा होगा उसके बेसिस पे ये बोलेंगे कि हाँ, चलो ब्रिटिश इंडिया जो है वो इंडिया के लिए अच्छा है। तो इस मकसद से जेम्स मिल ने 1817 में ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा, और इसमें इन्होंने ब्रिटिश, ये इंडियन हिस्ट्री को थ्री पीरियड में पीरियडाइज किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। इसका मकसद यही था, इसमें यही लिखा गया है। पूरा रिलीजियस इंटॉलरेंस था और ये सब सुपरस्टिशन के बारे में बताया, और फिर ये बोला कि नहीं, अब ब्रिटिश आ गए, अब सब सही होगा, अच्छा होगा। तो नाउ लेट अस सी कि मिल फेल्ट कि ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया, ठीक है। एंड टू डू दिस इट वॉज, अब ये जो मिल ने जो हिस्ट्री की बुक लिखी, इसमें इनको लगता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं, और इसके लिए सिविलाइज करने के लिए हम लोगों को यूरोपियन मैनर्स और आर्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया में लाना पड़ेगा। और फिर सजेशन वगैरह दिया गया इसमें। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल जो था उसने रिप्रेजेंट किया प्रोग्रेस को, ठीक है। और अ पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज ऑफ डार्कनेस। और अब लेकिन ये चीज़ तो जेम्स मिल ने जब हिस्ट्री की बुक लिखी तो उसने ऐसा सोचा, लेकिन क्या अभी ऐसा पॉसिबल है इसको एक्सेप्ट करना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डार्कनेस तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में भी था। सो इन एनी केस वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। अब बताओ, जैसे कई राजा जो थे हिंदू टाइम में अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, उन्होंने अपना रिलीजन कितनी बार चेंज किया? कुछ लोग बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू रिलीजन ऑफ द रूलर्स? क्या लोगों का जो हिस्ट्री में, लोगों का जो रिलीजन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इन सब चीज़ों में? टू सजेस्ट दैट लाइफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर डोंट रियली मैटर। सो मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस यूजली डिवाइडेड इंडिया इंटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। अब दिस डिवीजन टू हैज़ ए प्रॉब्लम। अब देखो, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से दूर जाए, ब्रिटिश ने हिस्टोरियन पढ़ा हमने अभी, जेम्स मिल, उसने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश टाइम बताया, पीरियडाइज किया। उसके बाद जो और हिस्टोरियन है वो बोलते हैं एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अब मॉडर्न में ये चीज़ है, मॉडर्न सिग्निफाइज मॉडर्निटी, ठीक है। मॉडर्न सिग्निफाइज साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी। लेकिन ऐसा कुछ था मॉडर्न टाइम में? नहीं था। सो एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल दैट पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं था। तो इसलिए
मैनी हिस्टोरियन जो हैं वो मॉडर्न को, जैसे एंशियंट और मेडिवल तो चलो ठीक है, लेकिन मॉडर्न कहना ब्रिटिश रूल को इज रॉन्ग, बिकॉज लिबर्टी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, इक्वालिटी नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियन इस चीज़ को कॉलोनियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉलोनियल का क्या मतलब होता है। सो नाउ व्हाट इज कॉलोनियल? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम कॉनकर इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल और सब्जुगेटिंग द लोकल नवाब्स एंड राजाज। सो यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। अब देखो ब्रिटिश आए, उन्होंने लोकल राजाज और रूलर्स के हरा के, लड़ाई में चाहे डिप्लोमेसी से ही उनको हरा के उनके सारे एरिया के ऊपर खुद का शासन लाए। ठीक है, कल रेवेन्यू कलेक्ट किया, उसकी इकोनॉमी में कंट्रोल कर लिया, उसकी सोसाइटी की कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की, और फिर जो गुड्स वो चाहते थे बाहर से लाना सस्ते दामों में लाए, और जो यहाँ से भेजना चाहते थे एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, और इकोनॉमी को और सोसाइटी को एक्सप्लॉयट किया अपने लिए, ब्रिटिश के लिए। सो यू विल केम टू नो अबाउट दीज चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट एंड कस्टम एंड प्रैक्टिस। अब इन सब चीज़ों पे भी ये क्या चीज़ है, ये सोसाइटी का पार्ट है ना, वैल्यूज टेस्ट कस्टम प्रैक्टिस। सो व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री, जैसे वन कंट्री क्या सब्जुगेशन किसका हुआ, इंडिया का, बाय अदर कंट्री, कौन सी कंट्री, ब्रिटेन, टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल चेंजेस। अगर एक सब्जुगेशन के कारण चेंजेस आता है इन सारे स्फीयर में, तो इसको बोला जाता है कॉलोनाइजेशन। इसीलिए ब्रिटिश हिस्ट्री को कॉलोनियल हिस्ट्री बोला जा रहा है इस बुक में। सो नाउ अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, आवर पास्ट को एक बार और दिखाया गया कि यहाँ पे आवर पास्ट है, आवर पास्ट नहीं है, आवर पास्ट है और पास्ट नहीं है, प्लूरल है। तो ये प्लूरल क्यों है? प्लूरल इसलिए है क्योंकि, प्लूरल इसलिए क्योंकि सिर्फ किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी लोग इंपॉर्टेंट हैं और उनकी हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए। तो अगर एक किंग होता तो फिर आवर पास्ट, लेकिन अलग अलग लोग हैं और उन सब का पास्ट अलग अलग है, तो इसलिए आवर पास्ट। ठीक है, इसलिए इस बुक का टाइटल ऐसा है। अब देखते हैं कि अब हमें पता कैसे चलता है चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो अब जब ब्रिटिश आए तो उनको रिकॉर्ड लिखना, पेपर पे नोटिंग करना, ये सब का पहले से आदत था, क्योंकि अब तुम कहीं नए जगह पे जाओगे, वहाँ पे रूल करोगे, और रूल करने के लिए तुम कुछ डिसीजन लोगे, तो कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ रिटन रिकॉर्ड्स होने चाहिए, तो ये लोग वो चीज़ मेंटेन करते थे, रिटर्न रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे। अब ये रिटर्न रिकॉर्ड को मेंटेन करने की आदत उनकी चली आ रही थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, तो उन रिकॉर्ड्स को पढ़ पढ़ के, अब जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस है, जैसे तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट और कमिश्नर्स ऑफिस है, उनके साथ साथ एक सेपरेट रिकॉर्ड रूम रखते थे जिसमें वो लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट्स को या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते थे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उसको फिर एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स वगैरह में रखा जाता था। तो अब इन सब आर्काइव्स में तुम जाओगे और पुराने दस्तावेज़ों को निकालोगे, तो तुम्हें उस समय के हिस्ट्री के बारे में, और वो हिस्ट्री सबकी हिस्ट्री नहीं, वो जो कि इनके पर्सपेक्टिव से है, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये सोर्स हो गया हमारा हिस्ट्री का, हिस्ट्री को जानने का। अब देखो लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर, उसको पढ़ के, अब जैसे कहीं पे सूखा पड़ रहा है या कहीं पे बाढ़ आई हुई है, तो कोई लिखेगा यहाँ से एक ऑफिस में, कलेक्टर्स ऑफिस में लिखा जाएगा कि यहाँ पे सूखा की स्थिति बन रही है, हमें ग्रेन्स चाहिए, तो कहीं और डिपार्टमेंट में जाएगा वो, तो उस वो जब पर्ची मिलेगी, वो जब नोटिंग्स मिलेगी फाइल पे, तो हम ये बता पाएंगे अच्छा उस समय में सूखा पड़ा था तो ये सब चीज़ें हुई। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ये सब चीज़ें सोर्स हैं हमारी हिस्ट्री का। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अदर्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन आर्काइव्स। ठीक है, अब देखो जैसे मैं अब आप लोगों को एक नेशनल आर्काइव्स, जो कि इंडिया का नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, जो कि 1920s में आया था, इसकी वेबसाइट पे लेके चलते हैं। ये है वेबसाइट नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का, राष्ट्रीय अभिलेखागार। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो जेनेसिस इसका है 1860s में, व्हेन
सैंडमैन द सिविल ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट स्ट्रेस द नीड ऑफ रिलीविंग द ऑफिस ऑफ कंजेशन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ पेपर ऑफ रूटीन नेचर एंड ट्रांसफर ऑल वैल्यूएबल रिकॉर्ड टू ग्रैंड सेंट्रल आर्काइव. ठीक है, और इसके बाद से इसमें और पढ़ोगे तो एक इंपीरियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट है जो कि इन फ्यूचर चल के नेशनल आर्काइव्स बना. तो अब ये इंडिया इंडियन गवर्नमेंट इस तरह का आर्काइव्स मेंटेन करती है आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस समय के जो कि इंपॉर्टेंट लोगों को लगे जो कि ट्रांसफ़र हुए यहाँ पे. तो इन सब चीज़ों पे हिस्टोरियन जाते हैं, पूरा पूरा दिन रिसर्च करते हैं, कुछ पेज यहाँ से निकाला, कुछ उधर से निकाला, दो कलेक्टर्स के बीच का बातचीत को देखा और फिर रियल सिचुएशन को पता लगाया. तो इस तरह की चीज़ें यहाँ से निकलती हैं और रिसर्चर्स के लिए मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब देखो ये उसकी बिल्डिंग है ऐसी, और ये वाइसरीगल पैलेस था पहले, तो देख लो कि जहाँ पे राजा रहते थे प्राइम मिनिस्टर टाइप, तो वो उसके घर को ये बना गया. तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ये आर्काइव्स. अब देखो जैसे रिपोर्ट्स है, अब ये बता रहे थे ना हम लोग रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एक होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है. हम अभी इसी साल की हिस्ट्री में ये पढ़ेंगे कि 46 में कैसे रॉयल इंडियन नेवी में लोगों ने म्यूटिनी स्टार्ट कर दी थी. तो उसके लिए अब अलग अलग जगह से, बॉम्बे से, कराची से और विशाखापट्टनम से ये आ रहा है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है और सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, इस तरह की चीज़ें. तो ऐसे ये देखो अलग अलग नोटिंग्स हैं. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे. अब उसके बाद से आर्काइव्स के बाद आता है सर्वे. आर्काइव्स में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रांसफ़र करके एक जगह पे रखे गए. अब आता है सर्वे. ब्रिटिश जब नई जगह पे आए तो वहाँ के बारे में इनको जानने की इच्छा हुई, और जानने की इच्छा क्यों हुई, क्योंकि तुमको किसी जगह पे अगर राज करना है, उसके ऊपर रूल करना है, तो उसके बारे में जानना पड़ेगा कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या जानवर हैं, क्या क्या हिस्ट्री है. तो इन सब चीज़ों के लिए ब्रिटिश ने काफ़ी सारे सर्वेज स्टार्ट किए, जैसे सॉयल के बारे में, फ्लोरा फौना के बारे में, लोकल हिस्ट्रीज जानने की कोशिश करी, लोकल फोकलोर्स जानने की कोशिश किया. तो और उसके बाद उसी तरह उन्होंने बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट किया, और फॉरेस्ट सर्वे. अब जैसे अलग अलग साइट्स हैं, जैसे ये देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ, जूलॉजिकल सर्वे वाज स्टार्टेड इन 1916 टू प्रोवाइड टू प्रमोट सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च लीडिंग टू एडवांसमेंट इन द नॉलेज एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सेप्शनली रिच लाइफ ऑफ द अर्सफाइल ब्रिटिश इंडियन एम्पायर. ठीक है, तो उन्होंने सर ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी ताकि अच्छे से लोगों को यहाँ के और इंडिया को ज्योग्राफिकली जान सकें, ताकि बेटर तरीके से रूल कर सकें, लेकिन अपने फायदे के लिए. अब जैसे देखो ये है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1890 विथ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग प्लांट रिसोर्स. ठीक है, अब आ जाते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द ओनली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू दिस इन द गवर्नमेंट सेटअप. और ये जूलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम से स्टार्ट हुआ था. फिर आते हैं फॉरेस्ट सर्वे. अब ये फॉरेस्ट सर्वे जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में है, और ये यहाँ के फॉरेस्ट सर्वे करता है कि कितना फॉरेस्ट एरिया बढ़ा घटा इस बारे में. तो अब ये सारा तो वेबसाइट देख लिया हम लोगों ने, तो दे आर स्टिल रेलिवेंट और कितने इंपॉर्टेंट हैं जो उन लोगों ने ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट हुए उनके जाने के बाद हमारे लिए, उससे पहले ये सब इंपॉर्टेंट थे उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए. नाउ सी व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल. अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने क्या बताया तुमको, सॉयल क्रॉपिंग पैटर्न तो पता है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी बताई इन्होंने, ट्राइबल्स की जिंदगी बताई, जो लोग नहीं पढ़ सकते थे, जो लोग अपनी हिस्ट्री नहीं लिख सकते थे, उसके बारे में कुछ बताया नहीं बताया. तो इसके इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, लोगों का डायरी, उनकी कुछ बायोग्राफीज, कुछ लोगों की जिसमें अलग अलग कुछ लिखा हुआ है कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के बारे में. ठीक है, फिर पॉपुलर बुकलेट, न्यूज़पेपर पढ़ लिया उस दिन का, उस समय का. तब अब जैसे ये देखो ये न्यूज़पेपर कटिंग है यहाँ पे, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इसमें पुलिस में स्ट्राइक हुई थी 46 में दिल्ली के एरिया में, और फिर वहाँ पे बोला था कि पुलिस लाइन के किचन से जो खाना आ रहा है वो खाने लायक नहीं है. तो अब देखो वहाँ पे खाने की स्थिति के बारे में हमें कहाँ से पता चला, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर 22 मार्च 1946 से. ठीक है,
तो ये सब चीज़ें अलग अलग सोर्स से मिल रही हैं, कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर से मिली, कुछ आर्काइव से मिली, कुछ सर्वे से मिली, कुछ लोगों की डायरीज से मिली, कुछ बायोग्राफीज से मिली। तो इन सब चीज़ों से हिस्ट्री बन रही है अलग अलग लोगों की, अलग अलग पर्सपेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। सो ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हुअर लिटरेट। लेकिन अब जो इलिटरेट है उसका हिस्ट्री कैसे पता चलेगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये पहला चैप्टर था, छोटा था, कवर हो गया है। ट्रू फॉल्स देखना है हम लोगों को। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड। अब देखिए जेम्स रेनल है या जेम्स मिल है नाम। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। आपको क्या लगता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये बताता है या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये बताता है कि व्हाट गवर्नमेंट थिंक। फिर द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ऐसा है, तो हाँ होगा। दोबारा से आपको ये सर्च पढ़ना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा क्या कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सर्वे इस्टेब्लिश किया, तो ट्रू। नाउ सी व्हाट हैपेंड विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। जेम्स मिल ने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश किया था, लेकिन राजा के अलावा भी तो बहुत लोग इंपॉर्टेंट हैं, और ज़रूरी नहीं है कि राजा जो है वो एक ही रिलीजन का हो। व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, बेटर रूलिंग के लिए। फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कि उस आदमी ने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया था किसी पुराने और गलत दस्तावेज को देखते हुए। फिर हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट में पुलिस का पर्सपेक्टिव लिखा रहेगा, लेकिन न्यूज़पेपर में दूसरा पर्सपेक्टिव, सिटीजन पर्सपेक्टिव भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये क्वेश्चन और ये चैप्टर ख़त्म। काफ़ी छोटा चैप्टर था, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।